कई बार देखने को मिलता है जब इंटरनेशनल फिल्मों को भारतीय सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म के आने से प्रतिबंध फिल्मों को ऑनलाइन देख सकते हैं। आज हम आपको ऐसी 5 इंटरनेशनल फिल्मों के बारे में बताएंगे जो सेंसर बोर्ड ने बैन की हुई। नंबर 1, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते 50 शेड्स ऑफ ग्रे को भारतीय सेंसर बोर्ड के गुस्से का सामना करना पड़ा है। नंबर 2, वाटर। कनाडा के निर्माता डेविड हैमिल्टन द्वारा निर्मित वाटर एक दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम ने लीड रोल किया है। वाटर फिल्म की कहानी एक विधवा बनारसी के जीवन के बारे में बताती है। नंबर 3, द विची कोड। द विची कोड को भारत में केवल कुछ राज्यों में बैन किया गया। नंबर 4, द गर्ल विद ड्रैगन टैटू। भारतीय सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म से अश्लीलता, बलात्कार और यातनाएं के सीन हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशक डेविड फिंचर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। नंबर 5, इंडियाना जोस और टेंपल ऑफ ड्यूम। इस फिल्म को भारतीय सेंसर बोर्ड ने बैन किया था क्योंकि इस फिल्म में हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, परंपराओं को नेगेटिव में दिखाया गया था।